यहाँ समस्या है, नाला कोरवा दिया है। मेरा एक बच्चा गिर गया, उसका भी भाव फूट गया। फूटने के बाद कोई कंप्लेंट नहीं करता है, देखिए नाला कोरा दिया है। मारे पिल्लू माकुर गिरता है, घर में भी जाता है, बारिश होता है तो ये पानी कहाँ से आता है नाला? पानी सबके घर का आता है। तो ये पानी के निकलने का जगह नहीं है कहीं? जगह नहीं है किधर। कितना सालों से है? 2 साल हो गया। कितना आदमी इसमें गोड़ा टूट गया, किसका गंदगी से कितना हॉस्पिटल पहुंच गया, बहुत गंदगी है इससे नाले से। तो आप लोग कहीं आवेदन नहीं दिए? कहाँ आवेदन देगा, कितना आवेदन दिया, सब फेल हो गया। बिहार के सीतामढ़ी जिला सोनबरसा ब्लॉक गांव मोहचट्टी में रोड के बीचे बीचे नाला बना हुआ है, लेकिन वो ऊपर से सिलाप नहीं रखने की वजह से क्या होता है कि बरसात के पानी और ग्रामीण के घर के पानी उस नाला में जम जाने के कारण इसमें कीड़े मकोड़े फट जाता है, खूब गंद देता है। यहाँ के ग्रामीणों को कहना है कि इससे बीमारी भी फैलता है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी समस्या हो रही है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि क्या क्या समस्या हो रही है। समस्या ये है कि नाली बना हुआ है, पानी वानी का तकलीफ होता है, बाल बच्चा के रोजा रहता है, पोता पोती हम जाने के लिए। नाली में पानी कहाँ से आता है? पानी कल का पानी आता है, पानी गिरने का नहीं शरण होता। तो कहीं आवेदन नहीं दिए नाला पर स्लैब रखने का? कोई सुनवाई नहीं करता गरीब आदमी का। कितनों सालों से ये खुला हुआ है? 2 साल। यहाँ की आबादी कितना है? 2000। रात बिरात अगर इमरजेंसी हो जाता तो कैसे जाते हैं? आते हैं लाख के ले जाता है मर्द वहाँ से, किसके जिसके औरत है तो औरत ले जाती है, नहीं तो गाड़ी आ जाता रहा है, नाला नहीं रहा था। इसमें लड़का पैका खेल रहा है तो सब गिर जाता है नाला में, नाला में गिरता है तो उसमें का पानी उनी पीता है तो तबीयत खराब होता है, ये दिक्कत है। ये तबीयत खराब होता है अगर घर में कोई आदमी का तो रात बिरात तो जाता है तो इसमें गिरता है, कान्हा पर लात के ले जाता है। ये मेन रास्ता है? मेन रास्ता है। गाड़ी आता है यहाँ तक? गाड़ी आता है, आप कैसे आएगा? यहाँ नाली में है, गंदगी होता है, गंदगी से बीमारी होता है, गंदगी से पानी नहीं आने देता है, कल का नहीं देता, अगना का पानी नहीं आने देता है, गिर जाता है गाड़ी, ये समस्या है। पानी डूब जाता है, घर में डूब जाता है। कितनों सालों से ये नाला पे सिलाप नहीं है? तो इससे क्या क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? दिक्कत होता यही है कि ये में आदमी डूब रहा है, सियाना डूब रहा है, सियाना का हाथ टूट रहा है, बदबू कर रहा है, आदमी बीमारी से मर रहा है, बीमारी पड़ रहा है। हम लोग की बीमारी होता है तो हम लोग के जाते हैं तो खटिया बच्चा ला के ले जाते हैं, तो कस ले जाते हैं रोड पर, तो रोड पर ले जाते हैं तो वहाँ से लेकर जाते हैं बाहर लेकर। मुखिया कहाँ लेबर का, कहाँ लेबर नहीं किया, मुखिया नहीं किया, अगर इसका पैसा खा गया तो हम कहाँ से कर दें? अगर आप लोग को रात बिरात इमरजेंसी होता तो कैसे आते जाते हैं? कितने का जाते हैं हेल कर पानी? नाला में बहुत भारी समस्या है कि बच्चा उच्चा गिर जाता है और इसमें कीड़ा सब फर गया और बहुत दिक्कत है। इमरजेंसी अगर होता है रात बिरात खटिया लेकर के जाना पड़ता है, गाड़ी घोड़ा नहीं आते हैं और इसमें गिर जाते हैं रात बिरात। जल्द से जल्द जितना जल्दी हो जाए के चाहिए, अब हमारा से हो, मुखिया से हो, पंचायत समिति से हो, जितना जल्दी ढला जाए के चाहिए सिला नाला पर। ये कब तक ढला जाएगा? कब तक? बहुत जल्दी। तो अब तक वहाँ के रोड पे सिलाप क्यों नहीं रखा गया, क्या कारण था? हम तो नया है, अब पुरनका बनाया है, तो अब जितना जल्दी हो जाए के चाहिए जितना हो जाए प्रयास में, प्रयास में हम। सोनबरसा प्रखंड के खाप खुपराहा पंचायत में जनप्रतिनिधि और अधिकारी लोगों से फोन पे बात किए, उन्होंने समय दिए कि आइए पंचायत भवन में। जब हम पंचायत भवन में गए तो वहाँ पे नहीं जनप्रतिनिधि मिले और नहीं अधिकारी लोग, ऐसे करके हम 6 बार पंचायत में और पंचायत भवन में चले गए, लेकिन एक बार भी वहाँ की जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी नहीं मिले। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।